देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम संस्थाएं भी लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकार ना पहुंच पा रही है, ना ही वो निजी संस्थाएं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। जहां पूरे देश में इस कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं सरकार द्वारा भी समय समय पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें सरकार द्वारा लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। प्राइवेट संस्थाएं भी लोगों की सहायता के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन हरिद्वार क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां भूखे लोगों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। मामला है हरिद्वार जिले के डेंसो चौक IP2 का, जहाँ कुछ कंपनियाँ अपनी मनमानी के चलते लोगों का शोषण कर रही हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रहे वर्करों का कहना है कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में वो पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते कंपनी ने लगभग 200 वर्करों को मार्च के बाद कंपनी आने के लिए मना कर दिया था। वर्करों का कहना है कि ज्यादातर लोग दूसरे राज्य से आकर इन कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने के कारण कंपनियां बंद हो गई हैं और सभी के घरों में खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। वह जो सरकार की तरफ से लोगों को फ्री राशन किट दी जा रही है, वो भी इन लोगों को सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही। इन सभी लोगों का कहना है कि जो भी अधिकारी या ग्राम प्रधान राशन बंटवाता है, इन सभी कंपनी वर्करों को कहा जाता है कि तुम सब कंपनी में काम करते हो, इसलिए ये राशन तुम्हारे लिए नहीं है। सभी वर्कर अपनी मांगों को लेकर कंपनी के सामने धरने पर बैठ गए और अप्रैल की सैलरी ना मिलने के कारण लॉकडाउन का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने को तैयार हो गए। प्रदर्शन करते वक्त कंपनी ओनर से भी वर्करों की नोक झोंक हुई, वहीं कंपनी ओनर अपनी दबंगई दिखाते हुए नजर आए। अब इस बात पर तो सवाल उठता है कि आखिर इन गरीब लोगों का कंपनी के सहारे के सिवा और कोई चारा नहीं है। वहीं जब श्रम विभाग अधिकारी से बातचीत की गई, तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपकी जो कंपनी के ओनर है, उन लोगों से बात हुई तो क्या मिला सुनने के लिए? उन्होंने तो यही कहा है कि अभी हम अरेंज करेंगे, पैसा हमारे पास नहीं है और अभी तो हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, मैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। क्या समस्या आपकी? समस्या सैलरी को लेके है, मेरी क्या सभी की समस्या है। सभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई बंदा अपने घर नहीं जा पा रहा है। मैनेजमेंट से बात रहती है तो क्या? मैनेजमेंट से बात हुई है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई सैलरी कंपनी नहीं दे सकती है, हम सक्षम नहीं है सैलरी देने के लिए, और आप देख लो अपना जो भी हो रहा है तुम्हारा, मतलब कंपनी ने ऐसे छोड़ दिया है। हम जो बंदा 10-10 साल तक भी 8-8 साल का काम कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। बंदे दर बदर भटक रहे हैं, यहाँ पे रोज आ रहे हैं, मैनेजमेंट बात नहीं सुन रहे हैं हमारे। इसमें जॉब करते हैं एडवांस में, और पहले के तो 5,500 मिल गए थे, पर अब की बार के जो मिले नहीं है, तो हम लोग किराए से रहते हैं यहाँ, कैसे खर्चा उठाएंगे, कैसे दुकान के देंगे, बहुत भारी पड़ रहा है रहना। तो कंपनी के जो ऑनर हैं, उन लोगों से बात हुई आप लोगों की? हमारे सुपरवाइजर ने करी थी बात, तो बोले थे कि नहीं मिलेंगे, मना कर दिया। एक और आ जाओ, कोई आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या समस्या आप लोग? समस्या ये पिछले महीने मेरी 4,000 पैसे नहीं दे रहे हैं आप।